तो गाइस देखिए, पिछले वीडियो में जो आप लोगों को दिखाया था मोबाइल बोर्ड में क्या क्या आईसी होता है, कौन सा मतलब आईसी कैसे कैसे इसको पहचाने, कहाँ का कैसे इसको आईसी रहता है, अलग अलग करके कंपनी जो सेक्शन बनाया। तो गाइस देखिए, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे इसको मैं कौन सा कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। कंपोनेंट मतलब कैसे चेक भी करेगा मल्टीमीटर में। तो पहले चलिए इसको थोड़ा सा मैं और भी जूम कर लेता हूँ इसको यहाँ पे। तो देखिए हर बोर्ड में मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप लोग शायद देख पा रहे हैं कि नहीं, दिखा दो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो येलो कलर का जो आप लोग ये जो देख रहे हैं, मैं जो टास्क कर रहा हूँ यहाँ पे, जितना भी ऐसे कलर का जितना भी छोटा हो बड़ा हो मीडियम साइज को जितना भी हो, ये बिल्कुल एक कैपेसिटर है, ठीक है। हर बोर्ड में बहुत सारे कैपेसिटर रहते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर रहते हैं, जितना भी मॉडल बोर्ड में आप लोग को दिखेंगे, देखिए ये जो कलर का देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, तो ये बिल्कुल एक कैपेसिटर है, देखिए बहुत सारे, ये बड़ा है, इसके बाद ये यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे छोटा है, जितना भी बोर्ड में आप लोग देखिए, इस बोर्ड में देखिए नोट 4 का बोर्ड में देखिए यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे इस नोट 4 बोर्ड में देखिए यहाँ पे देखिए ये जो कलर का देख रहे हैं आप लोग, ये कैपेसिटर है। पहले आप लोग कैपेसिटर कौन सा है वो देख लीजिएगा यहाँ पे। तो ये जितना भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल इसको येलो कलर का देखिए, ये बड़ा भी है, एकदम छोटा साइज का भी आता है, एकदम मिनी साइज का भी आता है, एकदम मीडियम साइज का, जितने भी साइज का आता है फिर भी वो कैपेसिटर है, ठीक है। ये कलर का जो मिल रहा है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जितने भी ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए कैपेसिटर यहाँ पे जितना भी बोर्ड में मोबाइल बोर्ड में आप लोग देखेंगे, जितना भी मोबाइल बोर्ड है यहाँ पे देखिए, इसका बड़ा कलर का भी ये भी कैपेसिटर है इसका, ये बोर्ड में देखा तो आप लोग यहाँ पे देखिए, इसका भी ये देखिए यहाँ पे, इस तरह से कलर का जितने भी देख रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे कैपेसिटर, इसके साथ मीडियम साइज का इधर के जितने भी देख रहे कैपेसिटर है। तो ये जो देख रहे हैं अभी देखिए, ये बूस्टिंग कॉयल है, ठीक है, ये देखिए बूस्टिंग कॉइल का काम करते हैं, देखिए बड़ा कलर का तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसके साइड में देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद देखिए छोटा छोटा ब्लैक कलर का है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ऐसे ठीक ठाक नहीं समझ पा रहे, तो चले मैं इसको माइक्रोस्कोप के जाकर आप लोग को दिखा दो, ठीक है, उसको तो आप लोग चेक कैसे करेंगे वो भी आप लोग को दिखाएंगे अभी। तो पहले इसको मैं चलिए इसको कौन सा कैपेसिटर है क्या रेजिस्टेंस है आप लोग को दिखा दो, एक करके हर बोर्ड में दिखाता हूँ यहाँ पे। इसको नोकिया का बोर्ड है, तो इसको नोकिया बोर्ड में ये देखिए इसके यहाँ पे फ्यूज़ लगा दिया, तो फ्यूज़ के बारे में आप लोग को बताया था। चलिए इस बोर्ड में देखिए यहाँ पे देखिए इसको, ये बोर्ड में देखिए जो डाइट लगा हुआ है यहाँ पे, जो डाइट के बारे में बताया था, तो डाइट भी कैसे चेक करोगे वो भी दिखाएंगे, फ्यूज़ यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये भी चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए अब इसको मैं माइक्रोस्कोप जाता है उसको आप लोग को दिखा देखिए, देखिए यहाँ पे ये जो कलर का देख रहे हैं ये बिल्कुल एक कैपेसिटर है। उसको देखिए यहाँ पे देखिए कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पे देखिए सोच रहा है ये भी सोच रहा है, ये देखिए ये भी कैपेसिटर है, ठीक है। तो उसको देखिए ये भी कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर, ये जो कलर का देख रहे हैं आप लोग थोड़ा येलो कलर का जितना भी देख रहे हैं ये कैपेसिटर है। उसके बाद देखिए साइड में देखिए इसको रेजिस्टेंस भी है, तो चलिए माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ इसमें। आप लोग सोच रहे हैं इसको मैं ठीक ठाक नहीं देख पा रहे, तो चलिए माइक्रोस्कोप में आप लोग आराम से इसको दिखाता हूँ कौन सा रेजिस्टेंस है कौन सा कलर का है, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोग जान भी जाएगा, ठीक है। और उसको चेक करना है उसको भी दिखाएंगे आप लोग, दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए सीधा माइक्रोस्कोप जाता हूँ। तो गाइस देखिए एक एक करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कौन सा कैपेसिटर है क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी बड़ा कलर का आप लोग यहाँ पे येलो कलर का आप लोग देख रहे हैं, हल्का सा येलो कलर का, देखिए मैं आप लोगों को ध्यान से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये देखिए ये जो देख रहे हैं ना, इस वक्त यही कलर का है ना, ये कलर का ये कैपेसिटर है। जितने भी आप लोग देखोगे मोबाइल बोर्ड में, ये छोटा भी होता है, मीडियम भी होता है, उसका बड़ा भी होता है, देखिए बड़ा कलर का, ये जो बड़ा वाला ब्लैक कलर का देख रहे, ये बूस्टिंग कॉइल है, ठीक है। तो ये बूस्टिंग कॉइल का काम करते हैं। तो इधर का देखिए जितने बड़ा कलर का जो मैं दिख रहा हूँ अभी, इसको येलो कलर का ये हो गया कैपेसिटर, देखिए यहाँ पे छोटा साइज का, तो ये भी कैपेसिटर, ठीक है। तो छोटा आता है, मीडियम आता है, बड़ा साइज का आता है, बहुत सारे इसको बनाता है मोबाइल बोर्ड में, बहुत से रहते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर कौन सा हो गया, देखिए ये कलर का जितने भी आप लोग देखोगे वो कैपेसिटर हो गया, ठीक है। तो इसका साइड में देखिए मैं रेजिस्टेंस भी होता है, रेजिस्टेंस कौन सा दिखा, तो अभी इतना भी कैपेसिटर है इसको कलर का, येलो कलर का। तो उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस भी यहाँ पे है, तो इसको देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए बिल्कुल देखिए जो ब्लैक कलर का है, तो ये भी छोटा मीडियम बड़ा कलर के भी आता है इसको, तो ये ब्लैक कलर का जितने भी देखो इधर का देखिए बिल्कुल तो उठा हुआ है, इधर का रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इधर में देखा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो छोटा कलर का देख रहे हैं, यहाँ पे छोटा ये कलर का, इसको ये रेजिस्टेंस है। इसके साइड में देखिए इसको भी कैपेसिटर लगा हुआ, तो कैपेसिटर छोटा भी आता है येलो कलर का जितने भी आप लोग देखोगे, और इसके साइड में देखिए ये भी रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस ब्लैक कलर का जितने आप लोग दे रहे हैं बिल्कुल हर सर मतलब रेजिस्टेंस है, और ये तो वोल्टेज को फिल्टर करते हैं। तो चलिए मैं इसको और बोर्ड में भी आप लोगों को दिखा दूँ, इसको रेजिस्टेंस कैपेसिटर में दिखा दूँ आप लोगों को, ब्लैक कलर का मतलब छोटा का मतलब आता है, बड़ा छोटा सब कुछ आता है। तो इस बोर्ड में देखिए, इस बोर्ड ध्यान से देखिए, इतना बड़ा कलर का देखिए इसको मैं देखिए, ये देखिए ये बिल्कुल देखिए इसका बड़ा कलर का जितने भी देखिए ये सब कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर है। इसको साइड में इसको कॉइल भी लगा हुआ, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ। तो रेजिस्टेंस के क्या बोलो, तो मैं ब्लैक कलर का जो छोटा छोटा आता है ना ब्लैक कलर का, तो हो गया रेजिस्टेंस। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए, इसको ये तो बड़ा कलर का सब एक कैपेसिटर है। इसको साइड में देखिए इसको मैं बिल्कुल, इसको जितना भी बड़ा कलर का है तो ये कलर का होता है कैपेसिटर, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। ये कलर का जितने भी आता है ना कैपेसिटर, देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है बिल्कुल, ध्यान से देखिएगा। इसका साइड में देखिए रेजिस्टेंस भी लगा हुआ छोटा छोटा, देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का, ये देखिए बिल्कुल देखिए इसका ये रेजिस्टेंस है, ये ब्लैक कलर का देखिए, ये भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये भी रेजिस्टेंस रहता है, और इस साइड में देखिए इसको यहाँ पे देखिए एक तो बड़ा कलर का रेजिस्टेंस, ये भी देखिए ये बूस्टिंग कॉइल का काम करता है, मतलब वोल्टेज को बूस्ट करता है, ठीक है, बूस्टिंग कॉइल का काम करता है, इसको वोल्टेज को बूस्ट करता है। तो उसका भी अलग अलग डिफरेंट वीडियो आप लोग को शेयर करेंगे जब काम आएगा।
तो देखिए आप इसका ये बड़ा कलर का देख लीजिए, ये भी इसको बूस्ट कॉइल का कहता है, इसको इसके बूस्टिंग का काम करता है वोल्टेज को। तो इसका साइड में देखिए कैपेसिटर लगा हुआ, इसका ये देखिए कॉइल लगा हुआ, ठीक है, इधर का ये कॉइल है, इधर का ये कॉइल है, इधर ये भी कॉइल है। तो इधर ये देखिए, ये देखिए इतना भी देखिए बूस्टिंग कॉइल लगा हुआ यहाँ पे, देखिए इसका साइड में देखिए इसका जो ये कैपेसिटर है, ये कलर का जितने भी देख रहे हैं ये कैपेसिटर है, इसको साइड में देखिए बिल्कुल ये कैपेसिटर है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको साइड में रेजिस्टेंस भी लगा हुआ, देखिए इधर का देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ, उसके बाद देखिए इसको रेजिस्टेंस के बाद इसे कैपेसिटर लगा हुआ। तो इसको देखिए ये कैपेसिटर जितना कलर का देख लिया, येलो कलर का जितना भी आता है ये सब कैपेसिटर ही होता है। तो चलिए और भी बोर्ड में दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए नोकिया बोर्ड में दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए नोकिया बोर्ड है इसका। तो कैपेसिटर कौन सा हो गया, रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, आप लोग देख लिया। तो अभी देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये बैटरी चार्जिंग कनेक्टर है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वोल्टेज आता है और इधर का देखिए नेगेटिव वोल्टेज आता है, ठीक है, इधर में देखिए ये पॉजिटिव वोल्टेज आता है इधर में और ये नेगेटिव वोल्टेज, ये चार्जिंग पॉइंट पिन यहाँ पे उठा हुआ है। तो चलिए देखिए इसको पॉजिटिव वोल्टेज का जो कनेक्शन है, देखिए ये बिल्कुल कनेक्शन कहाँ आता है, इधर से मतलब वोल्टेज इधर कनेक्शन कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको क्या लगा दिया, यहाँ पे देखिए फ्यूज लगा दिया। तो फ्यूज के बारे में हम लोगों को पहले बताया था जो फ्यूज कौन सा क्या होता है, फ्यूज के बाद देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। तो उसके बाद वोल्टेज ट्रांसफर है, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट चार्जिंग कनेक्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे चार्जिंग कनेक्शन वोल्टेज के इधर से डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, इधर से वोल्टेज डायरेक्ट आ रहे हैं फिर फ्यूज में वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आने के बाद वजह अगर अचानक वोल्टेज बढ़ गया तो बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे फ्यूज में आ रहे हैं, फ्यूज कट जाएगा पहले। तो यहाँ पे देखिए तो कंपनी ने फ्यूज लगा दिया, पहले फ्यूज कटेगा उसके बाद फिर रेजिस्टेंस आएगा, तो इसलिए यहाँ पे फ्यूज लगा दिया, ठीक है। तो देखिए अब ये फ्यूज है, यहाँ पे देखिए येलो कलर का देख रहे हैं, इसको रेजिस्टेंस लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए हर साइड में देखिए सोच रहा जितने भी देख रहे हैं यहाँ पे सब रेजिस्टेंस है, देखिए इसको देखिए डिस्प्ले कनेक्टर है, तो डिस्प्ले कनेक्टर में साइड में आप लोग बिल्कुल देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए ये पर रेजिस्टेंस है, वोल्टेज आईसी से यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस के वोल्टेज ट्रांसफर होकर इधर आ रहे हैं। देखिए मैं बोल रहा था अगर रेजिस्टेंस को ये अगर खराब हो जाएगा तो डिस्प्ले में ग्राफिक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर कैमरा कनेक्टर जो भी है यहाँ पे देखिए बिल्कुल देखिए रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज को ट्रांसफर करता है और डायरेक्ट, तो कस्टमर मतलब कंपनी वाले में डायरेक्ट यहाँ पे देखिए कंपनी वाले डायरेक्ट तो कनेक्शन इसको आईसी से बना देता है, लेकिन इसको बाद में एक तो बीच में एक तो इसको रेजिस्टेंस दे दिया, क्यों दिया, वोल्टेज को रोक करता है, वोल्टेज को फिल्टर करके इसको ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का काम की रेजिस्टेंस का काम होता है वोल्टेज को ट्रांसफर करना, फ्यूज का काम होता है वोल्टेज को ट्रांसफर करना, लेकिन कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज को फिल्टर करना, वोल्टेज को मैं वो भी तो मल्टीमीटर में कैसे चेक भी करेगा वो भी मैं दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए जितना भी कनेक्टर आप लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए कैपेसिटर मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटर फ्यूज बिल्कुल लगा रहता है हर बोर्ड में, ठीक है। तो ये देखिए रेजिस्टेंस कौन सा होगा, देखिए मैं कैमरा इसको कनेक्टर को उठा दो, चलिए यहाँ पे तो कैमरा कनेक्टर भी यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे देखिए बिल्कुल देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिस रेजिस्टेंस एक तो खराब होगा तो कैमरा नहीं काम नहीं करेगा कैमरा, आप लोग जानते हैं देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए कनेक्शन कैमरा कनेक्टर में नहीं दिया, आईसी से इधर आया, आईसी से कनेक्शन उसके बाद इधर से कैमरा तक गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट आईसी से कनेक्शन बीच में एक तो रेजिस्टेंस लगा दिया, हर कनेक्टर में हर पॉइंट में इसको रेजिस्टेंस आप लोगों को मिल जाएगा, कनेक्शन मिल जाएगा, रेजिस्टेंस हर जगह पर देते हैं वोल्टेज को रोक करके। मान लीजिए अगर वोल्टेज 4 वोल्ट आ रहे हैं वहाँ पे 3 वोल्ट चाहिए रेजिस्टेंस लगा दिया, 2 वोल्ट चाहिए उसको रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इसके लिए रेजिस्टेंस हर जगह पर यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए इसको रेजिस्टेंस तो कैसे इसको पहचानेगा, ब्लैक कलर का जो होता है देखिए छोटा बड़ा मीडियम जितने बात नहीं, ब्लैक कलर का देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया, क्या वजह यही हुआ, इसको फ्यूज देखिए फ्यूज तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं इसको वोल्टेज को पॉजिटिव वोल्टेज आता है, उसके बाद फ्यूज का हिट करता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको कैपेसिटर कौन सा, येलो कलर का जितना भी था वो सब कैपेसिटर हो गया, ब्लैक कलर का जितना भी है ये देखिए रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको अभी देखा तो आप लोग यहाँ पे चले इसको रेजिस्टेंस तो और भी लगाओ, यहाँ पे देखिए इसको ये मेमोरी कनेक्टर है, यहाँ पे देखिए तो मेमोरी कनेक्टर मैं बोला तो हर जगह पर सिम ट्रे बोलिए मेमोरी कनेक्टर बोलिए जितने में रेजिस्टेंस का काम करता है। तो देखिए कनेक्शन डायरेक्टली आईसी से इधर आया है, उसके बाद ट्रांसफर होकर इधर से डायरेक्ट इसके बाद मेमोरी कनेक्टर में जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली आईसी से कनेक्शन मेमोरी कनेक्टर नहीं जा रहा है, बीच में रेजिस्टेंस दिया, देखिए सिम ट्रे है, सिम ट्रे क्या देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा दिया, देखिए वोल्टेज डायरेक्ट से आईसीसी इधर आ रहे हैं, उसके बाद ट्रांसफर होकर सिम ट्रे में जा रहे हैं। अगर बीच में रेजिस्टेंस खराब हो गया तो उसके बाद अगर ये सिम ट्रे काम नहीं करेगा मतलब सिम सपोर्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हर जगह पर रेजिस्टेंस लगा देता है, रेजिस्टेंस का काम होता है वोल्टेज को ट्रांसफर करना वोल्टेज को रोक करके, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए रेजिस्टेंस क्या होता है, ब्लैक कलर का जितने में आ रहे वो रेजिस्टेंस है, येलो कलर का जितने भी बड़ा मीडियम छोटा कलर का वो भी हो गया कैपेसिटर, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल फ्यूज तो आप लोग देखिए चार्जिंग कनेक्टर पास में जो येलो कलर का होता है वो भी चार्जिंग मतलब फ्यूज है, ठीक है। तो देखिए ये भी जितने भी ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस काम करता है, रेजिस्टेंस है हर कनेक्शन में रेजिस्टेंस लगा दिया, देखिए कंपनी वाले में डायरेक्ट आईसी से कनेक्शन नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल देखिए इसको तो ये कैपेसिटर हो गया, इसको रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर कैसे पहचानोगे, बड़ा कलर का ब्लैक कलर का आता है, रेजिस्टेंस का कैसे पहचानोगे, ब्लैक कलर का जो होता है और येलो कलर का जो होता है उसको तो कैपेसिटर हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं अभी देखा तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए तो कनेक्शन देखिए हर कनेक्शन में यहाँ पे देखिए डिस्प्ले कनेक्शन देखिए एक तो खराब हो गया तो डिस्प्ले कनेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसको देखिए बिल्कुल रेजिस्टेंस लगा के इधर का वोल्टेज ट्रांसफर करते हैं, इधर का डायरेक्ट आईसी आया, इधर से ट्रांसफर होगा डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर में आ रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज को ऐसे ट्रांसफर करते हैं इसको आईसी वाले में, तो देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ, तो बड़ा कलर का येलो कलर
का जो भी देख रहे हैं छोटा मीडियम जितने में होता है ना कैपेसिटर होते हैं। रेजिस्टेंस उसके बाद इसको ब्लैक कलर का होता है, वो तो आप लोग रेजिस्टेंस कैसे पहचानेंगे, रेजिस्टेंस जैसे ब्लैक कलर का तो वही रेजिस्टेंस से काम करता है वोल्टेज को ट्रांसफर करना, ठीक है। हर कनेक्शन पे मल्टीमीटर पे कैसे चेक करके वो भी मैं आप लोग देखिए, इधर का देखिए कैपेसिटर लगा येलो कलर का, देखिए कितना बीज मीडियम साइज का, इधर का देखिए यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का भी है, इसको रेजिस्टेंस है, तो कैपेसिटर रेजिस्टेंस हर बोर्ड में बहुत सारे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का जितने भी देख रहे हैं ये हो गया रेजिस्टेंस, येलो कलर का जितने भी देख रहे हैं ये हो गया कैपेसिटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी देखिए मैं चलिए इसको और भी आप लोगों को दिखाते हैं अभी इसको, ये तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से आप लोग समझ लीजिए इसको, मतलब कैपेसिटर किससे कहते हैं, रेजिस्टेंस कैसे कहते हैं, ठीक है। फ्यूज कौन सा है आप लोगों को ध्यान से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये तो बिल्कुल रेजिस्टेंस हो गया, जितना भी रेजिस्टेंस ब्लैक कलर का देखिए कनेक्शन देखिए, एक साइड का पॉजिटिव इधर में कनेक्शन देखिए, इसका पॉजिटिव बोल जा रहा है उधर आईसीसी कनेक्शन इधर है, जितने भी जहाँ पे देखिएगा आप रेजिस्टेंस जहाँ पे लगा हुआ कनेक्शन एक साइड का वोल्टेज आईसीसी आ रहा है ऑपोजिट कनेक्शन आउटपुट हो रहा है, लेकिन कैपेसिटर में ऐसे नहीं होगा, कैपेसिटर में क्या होगा ना वोल्टेज एक साइड का नेगेटिव होगा एक साइड का पॉजिटिव होगा, ठीक है, वोल्टेज को ऐसे ट्रांसफर नहीं करते कैपेसिटर। देखिए इस साइड का ग्राउंड कनेक्शन का माइनस कनेक्शन, उधर का हो गया पॉजिटिव कनेक्शन, कैपेसिटर का हर कैपेसिटर का ऐसे होता है, कैपेसिटर का शॉर्ट भी हो जाएगा तो मोबाइल डेट हो जाएगा, कोई मोबाइल शॉर्ट हो गया, ठीक है, तो आईसी भी शॉर्ट होता है, बहुत सारे डिपेंड करते क्या शॉर्ट हो गया। कैपेसिटर का एक साइड होता है पॉजिटिव एक साइड का नेगेटिव, ठीक है, वो भी आप ड्राइंग करके आप लोगों को दिखाया था। तो फ्यूज का काम क्या होगा, देखिए फ्यूज का काम वोल्टेज को यहाँ पर डायरेक्ट आता है हीट करते, तो फ्यूज का वोल्टेज भी ट्रांसफर करते, फ्यूज भी वोल्टेज ट्रांसफर करते हैं, रेजिस्टेंस भी वोल्टेज ट्रांसफर करते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल देखिए इसको ये वोल्टेज को यहाँ पर ट्रांसफर होकर ये ट्रांसफर देते हैं, उसको फिर रेजिस्टेंस पर आ रहे हैं वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी वोल्टेज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी वोल्टेज ट्रांसफर करते हैं, फ्यूज भी वोल्टेज ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफर नहीं करते, एक साइड पॉजिटिव होता है एक साइड नेगेटिव होता है रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है। तो अभी देखिए मैं आप लोगों को ध्यान से और भी बोर्ड में दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए इसको तो ये देखिए इसको इस साइड में देखिए इसको नेगेटिव है, एक साइड का पॉजिटिव वोल्टेज देखिए, बिल्कुल दोनों साइड का पॉजिटिव वोल्टेज को ट्रांसफर कैपेसिटर नहीं करते, ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए इस बोर्ड में दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए ये देखिए बिल्कुल ये देखिए कॉइल हो गया इसको, ये कॉइल भी कहाँ का लगा हुआ देखिए मैं आप लोगों को देखो, तो कॉइल भी कैसे पहचानेंगे, तो देखिए यहाँ पे और भी इस बोर्ड में देखिए इस पावर आज का आप देखिए ये देखिए ये तो कैपेसिटर हो गया, आप लोग कैपेसिटर कौन सा कहते हैं वो तो आप लोग ध्यान दे दिए, यहाँ पे ये भी कैपेसिटर हो गया, ये कॉइल हो गया, देखिए बूस्टिंग कॉइल है, जो देखिए उसके साइड में देखिए कितना भी कैपेसिटर भी लगा हुआ, ये लोग अलग जितने भी देख रहे हैं एक कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर ए डिस्टेंस हो गया, थोड़ा थोड़ा ये भी रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया। तो अभी देखिए इसको ये पावर आईसी है, इसके साथ में देखिए कॉइल देखिए, इसको ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है, तो कॉइल इसको देखिए बड़ा कलर का ऐसे आता है कॉइल, दो पॉइंट का कॉइल की भी वोल्टेज ट्रांसफर करना है, लेकिन वोल्टेज को बूस्ट करते हैं, ज़्यादा करते हैं कॉइल, ठीक है। तो वो भी दिखेंगे आप लोग मल्टीमीटर चेक करके, उसको कैसे भी चेक करके देते, तो गाइस देखिए आज तो आप लोग जान लिया कैपेसिटर किसको कहते हैं, क्या कौन मतलब रेजिस्टेंस कैसे कहते हैं, कॉइल किससे कहते हैं, फ्यूज कैसे कहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को दिखाया, तो आप लोग ये ध्यान से आप लोग देख लीजिए, आज सीख लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मल्टीमीटर में चेक करके दिखेंगे गाइस, ठीक है। तो गाइस इसको आज के लिए इतना गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।